हे गाइस, जब आप स्ट्रीम लाइव से अपने गेम प्ले को यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो उसके बाद में जब दोस्तों आप स्ट्रीम लाइव में जाते हैं और गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे लिखा के आता है नो ब्रॉडकास्ट अवेलेबल। दोस्तों इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के इन तक देखना और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस प्रॉब्लम का सलूशन पता करने के लिए हमें चलना होगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों तो फाइनली हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूं कि दोस्तों मैं स्ट्रीम लाइव ओपन कर रहा हूं और यहां पे गो लाइव पे क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद मैं अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर रहा हूं और नेक्स्ट कर रहा हूं, और उसके बाद मैं एक्टिव इवेंट पे क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये देखिए आ रहा है नो ब्रॉडकास्ट ऑफ दिस टाइप फाउंड। दोस्तों आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से एक न्यू टैब ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है youtube.com। यहाँ पे youtube.com ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको इसे डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लिया हूँ इसे। तो दोस्तों मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा यहाँ पे ये जो YouTube है वो डेस्कटॉप साइट में ओपन हो चुका है। तो उसके बाद में दोस्तों वन सेकेंड मैं अपना माउस भी कनेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, अपलोड वीडियो का एंड गो लाइव का। तो आपको सिंपली गो लाइव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यूट्यूब स्टूडियो में रिडायरेक्ट कर देगा। तो उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा जैसा कि हमारे फ़ोन में ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे जो थ्री डॉट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये आपका डेस्कटॉप साइट पे ओपन होगा कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शेड्यूल स्ट्रीम पे आपको क्लिक करना है। शेड्यूल स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद में आप आप दोस्तों यहाँ से एक क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको टाइटल देना है। टाइटल में जैसे दे देता हूँ ही, दोस्तों मैंने यहाँ टाइटल ही दे दिया है। और उसके बाद में अपना डिस्क्रिप्शन लिख देना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे अपनी डेट चूज कर लेनी है, जो भी आपको डेट पे करना है। तो यहाँ पे डेट चूज करने के बाद में आपको यहाँ पे एक थंबनेल भी अपलोड कर देना है, जो आप थंबनेल लगाना चाहते हो। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट स्ट्रीम पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये ब्रॉडकास्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए जो अनलिस्टेड है इस पर आप जो भी करना चाहते हो, अनलिस्टेड या फिर पब्लिक या फिर प्राइवेट, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं अभी के लिए यहाँ पे अनलिस्टेड ही रखता हूँ। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप क्रिएट पे ये देखिए क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद में आपको सिंपली फिर से होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद में दोस्तों आपको फिर से अपना स्ट्रीम लैब ओपन कर लेना है। स्ट्रीम लैब ओपन करने के बाद में आपको फिर से गो लाइव पे क्लिक करना है। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद में आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है अपकमिंग इवेंट, आपको इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों आपने जो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट अभी बनाया है जैसे ही का, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर बना दिया है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ लेकिन वो टाइटल वही रहेगा। सो गाइस, तो हमारी यहाँ से देखिए लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली होम पे आना है और जिस एप्लीकेशन का आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, चाहे वो पबजी चाहे फ्री फायर, आपको उसे ओपन कर लेना। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव स्ट्रीम हो रही है या फिर नहीं। मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में गया हूँ और यहाँ से मैं आपको यूट्यूब
ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरी लाइव स्ट्रीम हो रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना YouTube ओपन कर लिया है और उसके बाद में ये देखिए सबसे ऊपर जो हमारी लाइव है वो चल रही है। टाइटल दिया था वो यहाँ पर टाइटल भी है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि लाइव स्ट्रीम को कैसे एंड करना है। तो दोस्तों आपको सिंपली होम पे आना है। होम पे आने के बाद में आपको फिर से स्ट्रीम लाइव ओपन कर लेना है और जो स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और एंड यूट्यूब लाइव स्ट्रीम को बंद कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको न्यू वर्जन स्ट्रीम लाइव का ट्यूटोरियल पता करना है तो किसी एक वीडियो पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू वॉच करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।